हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ ब्यूटीफुल यू गाइस. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम शेयर करने वाली हूँ फॉर गर्ल्स, स्पेशली एक्नी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स एंड स्पेशली ऑन योर चिक एरियाज एंड योर नोज एरियाज बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, पिंपल का सबसे मेन रीज़न है आपके स्किन पर ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स. अगर वो थोड़ा लंबे टाइम रह जाता है आपकी स्किन पर तो वो आपका रीज़न बनते हैं स्पेशली आपकी स्किन पर पिम्पल्स होने के लिए. तो बहुत अच्छा है अगर आप उनको तभी के तभी ख़त्म कर दो जब आपकी स्किन पर वो ब्लैक हेड्स बनते हैं, या फिर वो रीज़न ही ना होने दो जिसकी वजह से आपकी स्किन पर ब्लैक हेड्स बने. तो आपकी स्किन पर अगर ब्लैक हेड्स नहीं होंगे तो पिंपल्स नहीं आएंगे, और पिंपल्स नहीं होंगे तो निशान नहीं होंगे. तो आज हम एक बहुत ही मैं आपको बोलना चाहती हूँ ईजी और एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताऊँगी जिससे कि आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स ऑन स्पेशली ऑन योर चिक एरियाज बिल्कुल बवाय हो जाएंगे, टाटा गायब होने वाले हैं. तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं. सो दोस्तों, स्टीमिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स, बिकॉज ये उनको सॉफ्ट करता है और वो जब हम स्क्रब करते हैं तो ईजिली रिमूव हो जाता है. तो कोई भी वैसलीन या मॉइस्चराइजर लगाकर स्टीमिंग ले. देन सेकेंड स्टेप है स्क्रबर रेडी करना. उसके लिए मैं लूँगी एक चम्मच राइस फ्लावर, राइस फ्लावर नहीं है तो शुगर भी ले सकते हैं, एक चम्मच हनी, और इसको हम मिक्स करने के लिए ले रहे हैं मिल्क, कच्चा दूध. देखिए, स्क्रब करने के बाद अक्सर लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है, तो इसमें रहे मौजूद हनी और मिल्क की वजह से आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी, मॉइस्चराइज रहेगी और ग्लोइंग भी नज़र आएगी. तो आपने इस स्क्रबर से अपनी स्किन पर अच्छे से स्क्रब करना, ना कि सिर्फ चिक चिन और नोज़ एरिया पर बल्कि आप अपने पूरे फेस पर भी कर सकते हैं. स्क्रब करने से क्या होता है कि आपके जो डेड स्किन सेल्स है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है, जिसका होने का रीजन है, वो सब कुछ इजीली निकल जाता है. तो 4 से 5 मिनट स्क्रब करें, इसके बाद चेहरा वॉश करें और रोज वाटर अप्लाई करना मत भूलिएगा. सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको ये इजी सा ट्रीटमेंट अच्छा लगा होगा और आप अपने लिए जरूर इसको ट्राई करेंगी. जिसको इसकी जरूरत है उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए. एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.